अब देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव से ठीक पहले खुलकर जाति कार्ड खेला जा रहा है। इससे पहले अयोध्या कांड हो, कन्नौज कांड हो, तो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि जाति विशेष और धर्म विशेष को देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। अब मामला सवर्ण जाति को लेकर है, अब मामला ठाकुर या राजपूत जाति को लेकर है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आज राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच रहे हैं दौरा करने के लिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने राहुल के दौरे को राजनीतिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक है। पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने पीडीए का नारा देकर जिस तरह देश के लोगों को घुमराने का काम किया है, कि समाज को बांटने का काम किया है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की राजनीति करने पर। जहाँ सलोन की जो घटना घटी, हमारे समाज हमारे समुदाय का व्यक्ति था जो पासी को गोली मारा गया, मेरी उसी रात एसएसपी से बात हुई थी कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, जो लोग भी गोली मारे हैं उसकी गिरफ्तारी हो। वो प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है, मुझे निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को न्याय पहुंचा दूंगा। और इस वक्त रायबरेली से हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना हो, खुलकर जाति कार्ड खेला जा रहा है, खुलकर एक दूसरे के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और यही हमें रायबरेली में भी नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्या वहां पर कह रहे हैं समर्थक, ये क्या नजारा आप देख रहे हैं उनके आने से पहले? देखिए, अब सियासत तो पूरे उत्तर प्रदेश की जाति समीकरण पर ही टिकी हुई है। तो अब हत्या हुई है, हत्या के साथ जाति को भी जोड़ा जा रहा है और ये यहाँ पर अर्जुन पासी का घर है। राहुल गांधी को करीब यहाँ पे 11 बजे तक आना था, फिर उनका थोड़ा कार्यक्रम डिले हो गया है, उनकी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1:30 बजे के आसपास राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और सुबह से ही यहाँ प्राची भीड़ लगी हुई है, कांग्रेस के लोग भी हैं। गांव जो ये है दलित प्रधान गांव है, गांव के बहुत सारे लोग हैं। पीछे देखेंगे सब महिलाएं गांव के एक साथ इकट्ठा होकर बैठी हैं, राहुल गांधी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तो अब इन लोग का ये कहना है कि जो अर्जुन पासी था, सिर्फ बाल काटने के पैसे मांगने पर उसकी हत्या हो जाती है और जो आरोपी है उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है, तो न्याय तो मिलना चाहिए, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इसी घर से अर्जुन पासी को ऐसा आरोप है कि जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनके गुर्गों ने यहाँ से बाहर बुलाया और उसके बाद आगे ले गए करीब 100 मीटर दूर पर और वहाँ पर गोली से मार दिया। बस घर वालों का ये कहना है कि 60 से 100 रुपए का विवाद था कि वो पैसा नहीं दे रहे थे बाल कटवा के शेव करा के, जिसकी वजह से अर्जुन पासी से पहले विवाद हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्जुन पासी ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, जिसका खामियाजा उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ गाँव में है और जो मुख्य आरोपी है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, गांव वालों का कहना है कि गुस्सा शांत नहीं होने वाला। बिल्कुल, अपराध कोई भी हो, चाहे हत्या हो, छेड़खानी हो या फिर रेप का मामला हो, हर अपराध में जाति का एंगल सेट करने में बखूबी सियासतदान बिजी नजर जरूर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि।